नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले के मैदान पर हुए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रनों पर ऑल आउट हो गया था। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 432 रन बनाकर भारत को 354 रनों की बढ़त दे दी थी। भारत इस बढ़त का पीछा करता हुआ 278 रनों पर ढेर हो गया और इस मैच को बुरी तरह से हार गया। दूसरी पारी में भारत से लड़ाई की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 215 रन था। मगर चौथे दिन के सत्र में भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। इस मैच को एक और वजह से जाना जाएगा और वो है इस मैच में बने रिकॉर्ड्स। इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे, तो चलिए जानते हैं उन सभी रिकॉर्ड्स के बारे में। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद जो रूट बतौर कप्तान इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। जो रूट की कप्तानी में अब इंग्लैंड की टीम ने 27 टेस्ट मैच जीत लिए हैं। माइकल वॉन को इस मामले में रूट ने पीछे छोड़ दिया है। इस मैच में अगला रिकॉर्ड जिमी एंडरसन के नाम रहा, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट लेकर अपने घर में यानी कि इंग्लैंड में 400 विकेट्स पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वो पहले इंग्लिश और विश्व के दूसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम था। मुरलीधरन ने अपने घर यानी कि श्रीलंका में 493 विकेट लिए हैं। इसके अलावा इस मैच में जो खास बात रही वो ये है कि हेडिंगले में खेले गए पिछले 6 मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम कभी नहीं हारी। जिसने भी इस मैदान में पहले बल्लेबाजी की उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारत की बात करें तो इस मैच में कोहली ने टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी को बतौर कप्तान टॉस विनिंग प्रतिशत की श्रेणी में नंबर 4 पर धकेल दिया है और अब वो खुद नंबर 3 पर विराजमान है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में पहली बार टॉस जीता है। इससे पहले वो लगातार 8 बार टॉस हार चुके थे। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे जो इस मैच में बने हैं। बता दें कि इंग्लैंड और भारत के बीच अब अगला मुकाबला 2 सितंबर को लंदन के ओवल मैदान में खेला जाएगा। जो भी इस मैच को जीतेगा वो सीरीज में 2-1 की बढ़त ले लेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।